तो अभी ये दीवार ऐसी लग रही है और इसके बाद देखेंगे जब ये भैया लोग कर लेंगे काम तो उसके। तो ये देख सकते हैं ये बन चुका है पूरा बहुत ही सुंदर। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत शाम के 4 बजे से हो रही है और आज जो हमें ब्लॉग लेट शूट किया है क्योंकि इससे पहले के भी मैंने 2-4 क्लिप रखी हुई हैं जो मैंने आपको दिखाना है कि कैसे कैसे लग रहा है हमारा घर। काफी सुंदर हो चुका है पहले से। पहले की वीडियो और अब की वीडियो दोनों अटैच करके बताऊंगी कि कैसा लग रहा है, पहले कैसे था और अब कैसा है, वो सारा चीज बताऊंगी। तो आज वो वाले पहाड़ में बिल्कुल वहां पे वो लगे हुए हैं, क्या बोलते उसको, कुएड़ी गढ़वाली में तो यही बोलते हैं। और वैसे ये देखिए धुंध सी टाइप की लगी हुई है, तो भी देखते हैं मॉर्निंग तक कैसा रहता है यहाँ पे, बारिश होगी या फिर क्या होगा। कल भी बारिश पड़ी थी, छत गीली और गिरी तभी पता चला। बाकी ये देख सकते हैं ये व्यू आप रोज ही देख रहे हैं मेरे फोन से। और यहाँ पे बैठी हमारी बहन और माता श्री से मिला देते हैं आप सभी को। तो यहाँ दिखाने से पहले ये देखिए अंदर ये हमारी माता जी, चलिए प्रणाम बोलिए। आपके बाल बनाए नहीं, आप भी बोला करें ना, आपसे बड़े भी हैं। सभी को मेरी तरफ से प्रणाम करिए, प्रणाम से जुगाकर। मम्मी के आईब्रो बनाई आज, क्यों ना बोलो, मम्मी के आईब्रो बनाई आज मेरी छोटी वाली बहन ने और काट भी दिए बेचारी। मम्मी तेरे सब तेल लगा दूं? अच्छा नहीं, मम्मी के लिए हम पहले वो लेके आएंगे काली मेहंदी, तो मम्मी मम्मी के सर पे काली मेहंदी लगाऊंगी और सुबह मम्मी को नहला दूंगी, ठीक है? तो देख लेंगे। और यहाँ पे है हमारे कालू महाराज जी, और नहीं है मुझे कुछ, ये ऐसे आता है जैसे खाने को, जैसे मैंने पता नहीं कितना कुछ रखा होगा। और आजकल ना हमारे खेत में नजर दौड़ाओ, ये देखिए तो हमारे खेत से घास कटने स्टार्ट हो गई है। उधर देखेंगे तो हमारे ताऊ जी, कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, कभी खाली नहीं बैठते। देखो ये देखिए, ये रही हमारी ताई जी, ये देखो शायद उन्होंने वहां पे गेहूं रखा है सुखाने के लिए। तो ये चीज है मम्मी, इंसान कितना अकेले पड़ने लग जाता ना बुढ़ापे में, है ना? कभी तो भी ऐसी रहेगी, ऐसी होता है, एक टाइम ऐसा हो जाता है कि माँ बाप बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। हाँ, जबकि बुढ़ापे में हम खुद भी अपने मतलब जैसे दादाजी हैं उनके पास नहीं जा पाते हैं, बहुत मतलब ऐसा लगता है कि बुढ़ापा बहुत ही मतलब बेकार हो जाते हैं। देखो मैंने खिड़की बंद कर दी, क्या हो गया मम्मी, आप बाहर जा सकते हैं ना, क्या हो गया? अभी तक तो आप मेरे साथ जवाब दे रहे थे, क्या हो गया मम्मी? आप तो कहते हो कि लाइट जला दूं, अब ना हमारा होल्डर सही हो गया ना तो ये वाला रूम भी बिल्कुल सही लगता है, मतलब लाइट प्रॉपर तरीके से आ रही, नहीं तो ऐसे लटकी हुई थी ये लाइट ऐसे, तो इसे लाइट नहीं पहुंच पा रही थी। तनु मम्मी सबको ऑर्डर देती है, देख रहे हो, सुबह भी सुबह उठती है ऐसी मम्मी के सामने हमने ये रखा रहता, मम्मी उठ के इसको पकड़ के अब पूरे रूम में घूमती, उठ जाओ करके। 7:30 हो गए, उठ नहीं रहे हो? 5 बजे। तो अभी इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ रात में, अब ना हमारे यहाँ पे लाइटिंग भी हो चुकी है, ये पूरा लाइट लग चुकी है, तो रात में बताऊंगी कैसा लग रहा है, ठीक है? आप लोग भी कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है, ठीक है? तो ये यहाँ पे लेटी हुई है और मैं जाती हूँ थोड़ा सा छत में, छत के भी वो दिखा देती हूँ क्योंकि मैंने ब्लॉग नहीं शूट किया है तो इसके लिए मुझे जाना ही पड़ेगा। मैंने वो ले लिया है, प्रण लिया है कि मैं डेली ब्लॉगिंग करूंगी। ये देख रहे हो हमारी छत में कपड़े,
ये सारे धूल मिट्टी से, मैंने बल्कि ना एक हफ्ते पहले ही ये धोए थे कवर सोफे के, लेकिन इतनी धूल मिट्टी हो गई थी, इतनी धूल मिट्टी हो गई थी, उसने दोबारा धोना पड़ा। ये देखिए, नहीं यार वहाँ पे मेरे को लगा ताई जी उन्होंने गेहूँ रखा हुआ, लेकिन कुछ नहीं रखा हुआ है। ये देखिए, हमारी खेत से भी घास कटना स्टार्ट हो गया है, और ये रहा छत से पूरा, देख रहे। अब हमने तार तार भी मैंने दिखाया नहीं होगा ना, तो जब पापा आए थे तो पापा ने ये तारे इधर लगा दी किनारे किनारे, बीच में ना, बीच में थी पहले तो बहुत ज्यादा दिक्कत करती थी, अब किनारे हैं तो अब ठीक है। ये देखो, तो दोस्तों यहाँ पे हो चुका है हमारे घर का काम स्टार्ट, और इससे पहले जो है हमने, देख सकते हैं आप किनारे किनारे दीवारों में देख सकते हैं, प्लास्टर वगैरह करवाया था, क्योंकि इसमें पता है क्या, सारी सीलन आ चुकी थी हमारी, दूसरे बाथरूम अटैचेस वाले जो ये बाहर बरामदा है, इस वाले बरामदे से जो है हमारा बाथरूम अटैच है, तो उससे यह है ना सीलन आ रही थी पूरी की पूरी अंदर, तो इसलिए हमने सोचा यहाँ पे पीवीसी पैनल लगा देते हैं, इससे बेस्ट ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। अब इंसान बोर तो हो जाता है खैर एक ही चीज़ से, लेकिन ये है कि पेंट से छुट्टी, और जो ये गंदगी हो जाती है ना जब पेंट करते हैं, तो सारे एक तो दीवारों में तो खैर पेंट हो जाता है, लेकिन नीचे जो गंदगी हो जाती है ना कभी कभी तो मुश्किल से साफ़ होती है, बहुत रगड़ने के बाद तब जाके साफ़ होती है, तो इसलिए हमने सोचा यहाँ पे पीवीसी पैनल करा देते हैं, और उससे भी छुटकारा मिल जाएगा, सीलन से भी छुटकारा मिल जाएगा, वो दिखेगी नहीं, छुप जाएगी। और कभी अगर हमें देखना होगा, अपने किसी को होता है डाउट होता है कि दीवार ख़राब हो जाएगी या फिर कैसे होगा ना, तो यह है कि कभी तो आपको करवाना ही पड़ता है, और लोग तो ऐसा तो नहीं है कि तुरंत तुरंत करवा दे कोई भी काम, तो इसलिए उस चीज़ के लिए भी थोड़ा सा मतलब समय है, और देखेंगे आगे कि कैसे कैसे करना है हमें, तो वो चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। अगर आपको अपना घर अच्छा बनाना है तो इससे बेस्ट ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है, और इतना प्यारा भी लग रहा था ना, मतलब पहले से काफ़ी सुंदर हो चुका था। हमारी जो दो शिल्पें थी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो बड़ी सी विंडो लगा रखी है, ये UPVC विंडो है, तो इसके ऊपर जो स्लिप थी वो भी हमने तुड़वाई, और फिर दूसरी जगह में एक और जगह में थी तो वहाँ से भी हमने स्लिप इसलिए तोड़वाई क्योंकि जो पर्दे की रॉड थी ना वो बीच में अटक रही थी, जिससे कि हम पर्दे नहीं लगा पा रहे थे, और बहुत ही बेकार लग रहा था। और यहाँ पे ये मीटर जो है हजारों साल पुराना है, इसलिए इसको भी सही करवाया हमने, दूसरा चेंज करवाया। तो ये देख सकते हैं, ये बन चुका है पूरा, बहुत ही सुंदर, और देखने में कितना सुंदर लग रहा है ना, देखो टच वुड मेरी नज़र ना लगे, देखिए बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ऑसम। तो यहाँ पे पीवीसी पैनल हो चुका है, लग चुका है, ये मार्बल सीट है, मतलब अपने भाई से ही पता कर रही हूँ कि कौन सी क्या क्या सीटें हैं, और यहाँ पे देखो मैं भी देख रही हूँ आपको इसमें। और हमने यहाँ पे ये बोर्ड भी चेंज करवा दिया है क्योंकि पैनल लगे हैं, और फिर पुराना वाला लगता तो बहुत अजीब सा लगता, भद्दा सा लगता है, इसलिए हमने ये वाला लगा दिया है। खैर ये भी पुराना वाला ही के जैसे मॉडल है, पर लेकिन थोड़ा सा लुक में थोड़ा डिफरेंट है,
तो ये लगा दिया है। प्लस ऊपर जो है वो लाइट लग चुकी है, और ये लाइट ना मैं आपको कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि अभी जो बीच का हिस्सा है ना इसमें भी लाइट लगनी है, तो उसके बाद ही दिखाऊंगी। क्योंकि पता क्या है, एक साथ जलेंगे ना जब चीजें, तो तब मजा आएगा देखने में, और रात में बहुत ही सुंदर लगेगा। और यहाँ पे भी ये वाली सोच रही हूँ चेंज करवा दो, ताकि जो मतलब ज्यादा रोशनी वाला होगा वही लगाऊंगी यहाँ पे, रोशनी रहे ताकि यहाँ पे उजाला उजाला से रहे। खैर अभी देखिए बहुत सुंदर लग रहा है ना, कमेंट करके बताना पहले कैसा था और अब कैसा है बताना जरूर। और हमने ना यहाँ पे एक ही वो रखा है, एक ही सोफा रखा है, दूसरा वाला अंदर रखा है, इसलिए जगह घेर रहा है बहुत ज्यादा। हमारी सोफे जो हैं बहुत बड़े बड़े हैं, ये अकेला एक इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा, बहुत जगह लेते हैं। अगर छोटे छोटे होते तो दोनों आ जाते हैं यहाँ पे, लेकिन हमने एक ही रखा है। एक साथ दो रखेंगे तो फिर ज्यादा भीड़ भाड़ सी होती है ना, तो ऐसे ही मस्त लग रहा है। ये देखिए पूरा, ये देखिए, मतलब बहुत छोटी सी जगह को बहुत प्यारा बना दिया है। और ये चीजें, ये सारी चीजें लग चुकी हैं। अब पहले आपको तो पता ही होगा, जो पहले से मेरे व्लॉग देखते आ रहे हैं तो उन्होंने देखा होगा यहाँ पे स्लिप थी, यहाँ पे स्लिप थी, तो बहुत सारी जगह में यहाँ पे हमने नहीं छुड़वाया, उन्होंने खुद ही बोला है कि यहाँ पे सही नहीं लगा। मैंने उनको बोला था कि लगा देना, बट पता नहीं क्या बोला उन भैया ने, मुझे समझ नहीं आया। उन्होंने बोला कि लगेगा नहीं, बाहर आ जाएगा, पता नहीं क्या, कुछ समझ नहीं आया मुझे। तो वहां पे हम कलर ही करवा देंगे व्हाइट कलर, ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं है कि वहां लगाना ही लगाना है, व्हाइट कलर हो जाएगा तो उसके बाद वो भी अच्छा लगेगा, प्यारा लगेगा। तो बस यही है छोटा सा, बस इसी को करवाया हमने अंदर वालों में, तो कलर होंगे और वो बाद में जाके होंगे। और यहाँ पे मम्मी जो है रेस्ट कर रही है, और पूरे दिन भर से मेरा यही काम है। मैं यहाँ पे साफ सफाई कर रही थी, ये बाल्टी देखना भी मैंने बाहर नहीं रखी है, क्योंकि इसमें भी दोबारा पोछा लगेगा, रेत पे रेत, रेत पे रेत। अभी तो फिर भी हम नंगे पांव चल रहे हैं ना, तो दिक्कत नहीं हो रही है इतनी, लेकिन बीच में जब चल रहे थे तो बाप रे ऐसा लग रहा था सीमेंट रेत वगैरह ये चीजें जो कटिंग हुई है, ये कट करके लगाए ना, तो इनसे भी बहुत धूल गंदगी जो निकली है, तो वो चीजें पैरों में चिपक रही थी और बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। तो मुझे तो बहुत ज्यादा गंदा लगता है, तो इसलिए दोबारा से शाम को एक और बार पोछा लगाऊंगी। ये वाला रूम में नहीं लगाया, किचन भी साफ कर दिया है, ये रहा हमारा किचन छुटकू सा। अब पता क्या है, इस रूम के सामने ना सारे रूम फीके लग रहे हैं। ये वाला रूम है हमारा जो, ये भी फीका लग रहा है पैनल के कारण, देखो कितना चेंज आ जाता है लुक। और ये देखो, पहले मुझे सबसे ज्यादा ये वाला रूम अच्छा लगता था, लेकिन अब सबसे ज्यादा ये वाला रूम अच्छा लग रहा है, ये देखिए। तो चलिए मिलते हैं हम थोड़ी देर में, चाय बनाते हैं, फिर चाय पियेंगे, चाय का आनंद लेंगे, उसके बाद मिलते हैं। तो दोस्तों ये है, पूरी लाइटिंग हो चुकी है, और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी 6 लाइट है इसमें, और पूरा हो चुका है ये कंप्लीट डन। और बस दरवाजा वही है पुराना वाला, बाकी ये सारी चीज हो चुकी है यहाँ पे कंप्लीट। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि कैसा लगा आपको। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को रखेंगे इतना ही, आशा करते हैं आप सभी लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक कर देना, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं सुरम मिलती हूँ आप सभी से एक नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ, तब तक के लिए बाय।